लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर सकलेरा वाले चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है लाइक सकलेरोमेलेशिया। सकलेरोमेलेशिया आपको एडवांस रूमेटिक आर्थराइटिस में देखने को मिलता है, जिसमें सकलेरा की थिनिंग होती है और यूविया बाहर की तरफ आ रहा होता है। इन शॉर्ट, इसमें स्टेफाइलोमा बनने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये किसको बोलते हैं? विदाउट इन्फ्लेमेशन। ओके, विदाउट इन्फ्लेमेशन एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग सकलेराइटिस। तो स्टार्ट करते हैं सकलेरा को। सकलेरा होता क्या है? डेंस फाइब्रस कोलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, जो कि पोस्टीरियर 5/6 को कवर करता है। एंटीरियर 1/5 को या एंटीरियर 1/6 को कवर करने वाला कॉर्निया होता है। अब इसके तीन लेयर्स होती है। अभी बुक वालों ने कहा है कि एपिसक्लेरा सक्लेरा का पार्ट है। डेट इज वाई एक टेस्ट करेंगे 2.5% फिनाइलएथिलीन टेस्ट, जो कि ब्लांच करता होता है इसको, एपिसक्लेरल वेसल को। लेकिन सक्लेरल वेसल को, डीप सक्लेरल वेसल को ब्लांच नहीं करता होता। यानी एपिसक्लेरेटस और सक्लेरेटस को डिफरेंशिएट करने वाला 2.5% फिनाइलएथिलीन टेस्ट होता है। इसके अलावा 1% फिनाइलएथिलीन टेस्ट हम यूज करते हैं किस जगह के ऊपर? हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर, जिसमें हम कोकीन वगैरह, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, एपिनेफ्रीन और एक ये यूज कर लेते हैं एप्राक्लोनिडिन और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो सक्लेरा के अंदर सबसे पहले लेयर होती है एपिसक्लेरा, जो कि वैस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो फाइनली सक्लेरा के स्ट्रोमा के साथ मर्ज हो जाती है। दूसरा सक्लेरा का स्ट्रोमा होता है, जिसमें कोलाजिनस फाइबर्स होते हैं। तीसरा लैमिना फुस्का होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है। ओके, ठीक हो गया, जिसमें भी फाइन कोलाजिन फाइबर्स होते हैं। अब इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, दो होती है, एपिसक्लेरल और कोराइडल वास्कुलर नेटवर्क होती है। एपिसक्लेरा को सप्लाई करती है कोराइडल वाली स्ट्रोमा को, लैमिना फुस्का को सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं। ओके, एंटीरियरली कौन सी होती है? एल ए से रट्टा मार सकते हो। एंटीरियरली लॉन्ग और पोस्टीरियरली शॉर्ट सिली नर्व होती है। और जो सक्लेरा का मेन फंक्शन है, वो टफ प्रोटेक्टिव कोट है, ये रिजिडिटी और शेप को मेंटेन करता होता है। अब दो कंडीशन पढ़नी है आपने, सक्लेरेटस और एपिसक्लेरेटस, तो इनका डिफरेंस आपको ऑलरेडी आना चाहिए। ओके, तो इनका डिफरेंस क्या होता है? इनको सेपरेट करने के लिए 2.5% फिनाइलएथिलीन टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है, एस यू सी, मैंने इसे रट्टा मारा हुआ है। एस से क्या होगा? ओके, सेकेंडरी ग्लोकोमा, यू से यूवियल इन्वॉल्वमेंट और सी से अदर कॉम्प्लिकेशंस। ये आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? सक्लेरेटस के अंदर, आपको एपिसक्लेरेटस में देखने को नहीं मिलती। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं, एपिसक्लेरेटस रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है। क्लियर? इसका सडन ऑनसेट होता है। क्लियर? तो हम चलते हैं आगे। ये नहीं, एपिसक्लेरेटस रिलेटिवली ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, इसमें सडन ऑनसेट होता है, पेन नहीं होता, डिस्कम्फर्ट होता है। सिस्टमिक एसोसिएशन आपको किस में देखने को मिलती है? सक्लेरेटस में देखने को मिलती है। मोबिलिटी ऑफ लियन, एपिसक्लेरेटस को चूंकि सुपरफिशियल होता है, मूव कर सकते हैं। वीएन के बारे में बात करते हैं, सक्लेरेटस में अफेक्टेड होती है। रेजोल्यूशन एपिसक्लेरेटस का ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे मेन टेस्ट फिनाइलएथिलीन टेस्ट और कॉम्प्लिकेशन, जो दोनों जो कॉम्प्लिकेशन होती है सक्लेरेटस में आती है, फिनाइलएथिलीन टेस्ट पॉजिटिव आता है एपिसक्लेरेटस के अंदर। ओके, अगर आपको भूल जाती है इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस के पॉइंट को रट्टा मारने के लिए एम आर सी पी एस है। एम से क्या होगा? मोबिलिटी। आर से रेजोल्यूशन है। सी से क्या होगा हमारा? सी से हमारा होता है कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। पी से हमारा फिनाइलएथिलीन टेस्ट आ जाएगा। और एस से सिस्टमिक एसोसिएशन है, तो इनको याद करने के लिए आप कर सकते हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसक्लेरेटिस की तरफ। एपिसक्लेरेटिस की जो सिस्टमिक एसोसिएशन, आपने सिर्फ रट्टा मारने की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसमें भी होता है। सक्लेरेटिस में भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो एपिसक्लेरेटिस की आपने एसोसिएशन को देख लेना, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आईबीडी होता है, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस होता है, और इसकी एक इन्फेक्टिव टाइप भी होती है, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब जो एपिसक्लेरेटिस है, उसको दो में डिवाइड करते हैं, सिंपल और नोड्यूलर। जो सिंपल होता है, उसको मुझे दो में डिवाइड करते हैं, सेक्टोरियल और डिफ्यूज। जो सेक्टोरियल होता है 70% होता है, इसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर इन्वॉल्व करेगा। डिफ्यूज के अंदर पूरा का पूरा एपिसक्लेरा इन्वॉल्व हो जाएगा, और नोड्यूलर के अंदर मूवेबल नोड्यूल होता है। क्लियर? अब क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं, तो ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, 20 से लेकर 50 में ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? सिस्टमिक एसोसिएशन रिलेटिवली इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। इसके अंदर रेडनेस ऑफ आई सेक्टोरियल होती है, इसके अलावा आपको हॉटनेस, प्रिकिंग सेंसेशन देखने को मिलती है। ओके, क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर जो लियन होती है, सालमन पिंक कलर की होती है, अंदर लाइट होती है। क्लियर? और जो लियन होती है, वो मूव करती है विद द कॉटन टिप एप्लीकेटर ओवर द डीप टिश्यू। ठीक हो गया, तो इसे मूव करती होती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे? क्लिनिकल फीचर, जिसमें आपने रेडनेस देखनी होती है, हॉटनेस, स्पीकिंग सेंसेशन वगैरह आपने देखनी होती है। क्लियर? और टॉपिकल फिनाइलएथिलीन टेस्ट, 2.5% फिनाइलएथिलीन टेस्ट होता है, और उसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो कंजक्टिवाइटिस और सक्लेरेटस आ जाएगा। इसका जो ट्रीटमेंट है, उसका निमोनिक है 2। तो टी से क्या होगा? टी से टॉपिकल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर यूज करोगे टू रिड्यूस रेडनेस। डब्ल्यू से क्या होगा? वी टॉपिकल, हमारा स्टीरॉइड सोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। ओके, और से हमारा ओरल एनसेड सोल्यूशन है, ओरल एनसेड है, तो आपने टॉपिकल एनसेड भी देना होता है। इसके बाद सक्लेरेटस की तरफ आ जाओ। सक्लेरेटस की जो एटियोलॉजी है, इसकी इन्फ्लेमेटरी है विद सिस्टमिक एसोसिएशन, इन्फेक्टिव है, जिसमें हर्पीस जोस्टर, सिफिलिस, टीबी आ जाएगा, और लास्ट में इसकी पैथोलॉजी पढ़नी है। क्लियर? तो जो सिस्टमिक डिजीज है, सबसे कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके बाद एसएलई है, वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस है, पॉलीआर्थराइटिस नोडुजा। क्लियर? ये रट्टा मार लेना, सारे वास्कुलाइटिस है हमारे, जॉइंट सेल आर्थराइटिस हो गया। अब इसकी जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको दो में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर ज़्यादा कॉमन होता है, एंटीरियर को मुझे दो में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोटाइजिंग है, नॉन नेक्रोटाइजिंग है। अब नेक्रोसिस के अंदर भी देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं, तो विद इन्फ्लेमेशन और विदाउट इन्फ्लेमेशन, और नॉन नेक्रोटाइजिंग को मुझे दो में डिवाइड करते हैं, डिफ्यूज और नोड्यूलर है। क्लियर? बाकी इसमें इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो विदाउट इन्फ्लेमेशन वाला, उसको स्क्लेरोमेलेशिया कहते हैं। ये बायलैटरल है, और ये किसमें देखने को मिलता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर, पेनिस में नहीं देखने को मिलता। क्लियर? एग्जामिनेशन करने के ऊपर आपको येलोविश नेक्रोटिक सक्लेरल पैच देखने को मिलेगा। ओके, नेक्रोटिक है लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, येलो नेक्रोटिक है। क्लियर? ठीक हो गया। तो
यहाँ पे प्रोग्रेसिव एक्सपोजर हो सकता है ऑफ द यूवीए ड्यू टू स्क्लेरल थिनिंग हमने पढ़ा था। इसके बाद आते हैं पोस्टीरियर स्क्लेरेटस। तो पोस्टीरियर स्क्लेरेटस के जो क्लिनिकल फीचर है उसका निमोनिक है पोस्टीरियर स्क्लेरेटस। पी फॉर प्रोक्टोसिस है, ओ फॉर ऑफ्थैल्मोप्लीजिया, एस फॉर क्या होता है एस फॉर सीरियस एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट कह सकते हैं। ओके, इसके बाद आप सी से देख लो कोरोइडल डिटैचमेंट है, बाकी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन इसका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के अंदर नंबर वन टी साइन आएगा ड्यू टू थिकनिंग ऑफ पोस्टीरियर स्क्लेरा एंड द फ्लूइड इन द टीनॉन स्पेस। दूसरा सिटी स्कैन में भी आपको पोस्टीरियर स्क्लेरल थिकनिंग देखने को मिलती है। सिटी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी इन दोनों को रट्टा मार लेना है, पीट से रट्टा मारना है। टी साइन ये क्यों होता है पोस्टीरियर स्क्लेरा और फ्लूइड इन द टीनॉन स्पेस की वजह से होता है। बाकी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपके आ जाते हैं CBC आ जाएगा, ESR आ जाएगा। ओके, क्योंकि सिस्टमिक एग्जामिनेशन करनी है, यूरिन एनालिसिस आ जाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स को देखना, सीरोलॉजिकल फैक्टर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में RA देखना है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी क्लियर। इसके अलावा SLE को देखने के लिए एंटी DS एंटीबॉडी अनका वगैरह देखा जाता है, यूरिक एसिड का लेवल है, चेस्ट टेक्स रोमांटिक्स टेक्स आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन के अंदर सेकेंडरी ग्लूकोमा बताया था, यूवियल इन्वॉल्वमेंट है जिसमें एंटीरियर यूवाइटिस हो जाएगा, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट है, कॉर्निया के अंदर स्ट्रोमल केराटाइटिस हो सकता है, स्क्लेरोकेराटाइटिस हो सकता है, मार्जिनल केराटाइटिस हो सकता है। क्लियर, ये चीज़ें हो सकती है। लास्ट में स्टेफेलम और कैटरेक्ट को भी नोट कर लेना। ओके, इसके बाद कोर्स ऑफ डिजीज है, कोर्स ऑफ डिजीज में वीएन लॉस हो सकता है, यूवाइटिस हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर आपने सिस्टमिक डिजीज को ठीक करना है, इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है लाइक कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा को ठीक करना है। जो ट्रीटमेंट है उसका निमोनिक है टाल। ओके, टाल मैंने वैसे लिखा हुआ है। टी से क्या होगा टॉपिकल स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड आपने सब कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया है सारे केसेस के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं एनसेट। ओके, तो जो सिस्टमिक एनसेट होते हैं ये आपने इस्तेमाल करने हैं किसके अंदर, अब एनसेट होते हैं पेन किलर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, तो आपने एंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग वाले में इस्तेमाल करने हैं। ओके, एंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग वाले में इस्तेमाल करने हैं। क्लियर, एंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग के अंदर फॉर एग्जांपल एंडोमेथासिन हो गया, फ्लुब्रिपियोफोन हो गया, सिस्टमिक स्टेरॉइड होते हैं ये आपने इस्तेमाल करने हैं किसके अंदर, एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग के अंदर, एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग के अंदर और इसके अलावा पोस्टीरियर स्क्लेरेटस के अंदर, यानी इसमें स्टेरॉइड आ गया और नॉन नेक्रोटाइजिंग के अंदर आपका कौन सा आ गया है हमारा सिस्टमिक एनसेट आ गया। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव यूज़ कर सकते हैं अगर स्टेरॉइड की रेजिस्टेंस है, और लास्ट में सब कंजक्टिवल है, ये किसमें दोगे नॉन नेक्रो एंटीरियर पूरे बारे में, चाहे वो नेक्रोटाइजिंग है या वो नॉन नेक्रोटाइजिंग है।